नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से फेसबुक पर रील्स मोनेटाइज होना शुरू हुआ है, फेसबुक पर ट्रैफिक बढ़ चुका है। कई सारे नए नए क्रिएटर्स डे बाय डे फेसबुक से जुड़ते जा रहे हैं। हर कोई फेसबुक से अर्निंग करता है। फेसबुक पर अब तक आपको एड्स ऑन रील, रील्स बोनस, स्टार मोनेटाइजेशन, सब्सक्रिप्शन, इन स्ट्रीम एड, लाइव एड्स जैसे मोनेटाइजेशन टूल्स मिलते हैं। हर कोई डे बाय डे फेसबुक पर ग्रो करता है, अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल को मोनेटाइज कराता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स का मैच करता है उसके अकॉर्डिंग मोनेटाइज करवाता है, देन फेसबुक से अर्निंग करता है। कड़ी मेहनत से फेसबुक को ग्रो करता है, मोनेटाइज करवाता है, अर्निंग करता है। लेकिन बात तब आती है जब कुछ ज्यादा लेने की लालच में अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल से हाथ धो देता है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं फेसबुक के एक नए मोनेटाइजेशन टूल्स के बारे में। अब तक आपने फेसबुक पर एड ऑन रील्स, रील्स बोनस, स्टार मोनेटाइजेशन, इंस्ट्रीम एड, लाइव एड, सब्सक्रिप्शन जैसे मोनेटाइजेशन टूल्स देखे होंगे और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मोनेटाइज करवा के अर्निंग भी किया होगा। लेकिन अब मैं आपको एक नए मोनेटाइजेशन टूल्स के बारे में बता रहा हूं जो कि फेसबुक का है, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, जिसका नाम है लूटफाट मोनेटाइजेशन टूल्स। इस लूटफाट मोनेटाइजेशन टूल्स से मेरे पास कुछ केसेस आए हैं, 3 से 4, जिन्होंने इस लूटफाट मोनेटाइजेशन टूल से अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज भी करवा लिया है। जी हां दोस्तों, आपको समझना होगा आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हो, फेसबुक पर काम करते हो, रील्स पोस्ट करते हो, लॉन्ग वीडियोज पोस्ट करते हो, तो वीडियो पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको जानना भी चाहिए। 2-3 मिनट निकालकर इस वीडियो को आखिर तक देखना, वीडियो काफी काम का होने वाला है। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपको वक्त के साथ सोशल मीडिया पर अपडेट रखने की कोशिश करता हूं। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे क्रिएटर फेसबुक पर डे बाय डे जुड़ते जा रहे हैं, काम करते हैं, कड़ी मेहनत से अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल को ग्रो करवाते हैं या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मैच करता है फिर मोनेटाइज करवाते हैं, अर्निंग करते हैं। लेकिन जब कुछ ज्यादा मिलने की जो लालच होती है ना, लालच एक बुरी बला होती है। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। फेसबुक पर आजकल बहुत सारे फेसबुक पेज डे बाय डे खो रहे हैं, अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल क्रिएटर हाथ धो रहे हैं। लेटेस्ट मेरे पास 3 से 4 ऐसे पेजेस आए हैं जिनका बोलना है कि भाई हमारा फेसबुक पेज हैक हो गया है। होता क्या है मैं आपका पूरा प्रोसेस बताता हूं ताकि आप इस तरीके के प्रॉब्लम में ना फंसो। ओके, देखो फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर आपने पब्लिक डिटेल के अंदर अगर फोन नंबर या ईमेल एड्रेस डाल रखा होगा, जो कि नॉर्मली सभी लोग डालते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, डालना चाहिए, डाल सकते हो। बट उसी फेसबुक पर जो आपने पब्लिक डिटेल के अंदर ईमेल या फिर मोबाइल नंबर दे रखा होगा, उसी का यूज करके जो ये लोग होते हैं वो आपको आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, किसी को मेल करते हैं या फिर किसी को डायरेक्ट नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं। वहां पर वो लोग बोलते हैं कि भाई आप जो है जो हमारी कंपनी है उसका ऐड आपके फेसबुक पेज पर लगा दो, हम आपको सिर्फ एक ऐड लगाने का $1,000 देंगे और दिन के हम 2 ऐड देंगे, यानी कि दिन के आपको $2,000 अर्न करने का मौका मिलेगा। अब $2,000 को भाई इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देना, मुझे तो नहीं पता कितना हो रहा है क्योंकि मैंने मैथ सब्जेक्ट 10th के अंदर ही छोड़ दिया था, तो आप काउंट कर लेना दिन का $2,000 अर्न करने का ये लोग बोलते हैं। अब इतना अमाउंट कोई बताता है सिर्फ एड लगाने का, कोई काम धंधा नहीं करना, सिर्फ एड लगा के काम खत्म, तो हर कोई इनके बातों में आ जाता है। फिर होता क्या है, आगे के प्रोसेस के अंदर ये लोग एक इनविटेशन भेजते हैं या फिर एक लिंक भेजते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक पेज ओपन हो जाता है जो कि बिजनेस सेटिंग का पेज रहता है। ये ऑफिशियली वही होता है जो फेसबुक एड मैनेजर हम लोग बोलते हैं। इस पेज का यूज कब होता है, क्या होता है, वो एक नॉर्मल यूजर को नहीं पता होता है। जो नया नया होता है, जिनको ये सारी इंटरनल चीजें नहीं पता होती है, उन लोगों को यह समझना मुश्किल होता है। और यहां पर होता क्या है कि जब भी आप अपना जो है फेसबुक पेज का नेम या फिर जो भी डिटेल डालोगे इसको सबमिट करते हो, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इस पेज का यूज तभी किया जाता है जब आप अपने फेसबुक पेज का एक्सेस किसी और को देना चाहते हो, तभी इस टूल का यूज किया जाता है। अब वो लोग आपको लालच देके या फिर किसी ना किसी तरीके से बातों में घुमा फिरा के आपसे एक्सेस ले लेते हैं, देन बाद में पूरी डिटेल, आईडी, पासवर्ड, जो भी डिटेल रहती है, मोबाइल नंबर, जीमेल, वो सब कुछ चेंज कर देते हैं। बाद में आपको क्रिएटर को, यूजर को अपने फेसबुक से जो है हाथ धोने पड़ते हैं। जो भी मेहनत थी, जो भी ग्रो किया फेसबुक पर, वो सब कुछ सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर गायब हो जाता है। तो आपको इस चीज से बचना होगा। फेसबुक पर डे बाय डे ये बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है क्योंकि फेसबुक पर नए नए क्रिएटर जुड़ रहे हैं, फेसबुक पर जो है अब ये अर्निंग का स्कोप चल रहा है, तो इसी का मौके का फायदा उठा के ये लोग इस तरीके का प्रोसेस करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, लालच देते हैं $2,000 का, फेसबुक पेज का जो है एक्सेस ले लेते हैं, देन फिर गई भैंस पानी में, हाथ धोने पड़ते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि कभी भी आपको इस तरीके के मेल या
फिर मोबाइल पर अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उसको अच्छे से देखो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, मेरे से कंफर्म करो कि भाई ये जेन्युइन है या फिर नहीं, तभी आगे का प्रोसेस करो। जल्दबाजी में कोई भी लोभ या लालच में आके किसी का गलत कदम मत उठाओ, नहीं तो फिर आपको भारी पड़ सकता है। मेरे पास 3 से 4 लोगों ने इसी तरीके के मैसेज किया, भाई हमारे साथ हमारा पेज हैक हो गया। तो भाई कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और मेरे से कॉन्टेक्ट कर लिया कि क्या भाई ये जेन्युइन है या इस सेफ है या फिर नहीं, हम आगे का प्रोसेस करें या फिर नहीं। तो मैंने उनको क्लियर ही बता दिया भाई उस बंदे को ब्लॉक मार दो, बात खत्म करो। तो ये मैं आपको अवेयर करने के लिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन फ्यूचर कभी भी आपसे इस तरीके का कोई मेल आए तो आपको समझदारी दिखानी होगी, गलत कदम नहीं लेना है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे, और आपका कोई सवाल है सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।